वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी जी मंदिर में श्रद्धालुओं की गुंडागर्दी सामने आई है। आरोप है कि महिला गार्ड द्वारा श्रद्धालुओं से जूते चप्पल नियत स्थान पर उतारने की बात कहने पर आरोपियों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। महिला गार्ड की बात पर श्रद्धालु इतने नाराज हुए कि उन्होंने पहले तो महिला गार्ड और उसे बचाने आए गार्ड की जमकर पिटाई की और उसके बाद दहशत फैलाने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में ही रिवॉल्वर भी लहराना शुरू कर दिया। ये फुटेज है सीसीटीवी जो आप देख रहे हैं इस वक्त, तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली के शकुरपुर इलाके के गणेश नगर कॉलोनी का ये शख्स रहने वाला है जिसका नाम टेकचंद शर्मा बताया जा रहा है। और दिल्ली से बांके बिहारी मंदिर पहुंचा होगा ये शख्स और वहां पर जो स्थिति हुई वो इन तस्वीरों में आपके सामने। रिवॉल्वर लहराते हुए भी देख सकते हैं उस शख्स को जिसका नाम जो है वो टेकचंद बताया जा रहा है, दिल्ली का रहने वाला है, मंदिर दर्शन के लिए पहुंचा होगा लेकिन वहां पर हालात सिर्फ जूते उतारने को, नियत स्थान पर जूते उतारने की बात जब महिला गार्ड द्वारा कही गई उसके बाद ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया। सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। सुरेश, क्या है स्थिति, आरोपी तस्वीरों में स्पष्ट नजर आ रहा है, क्या गिरफ्तारी या कोई मामला दर्ज हुआ है इसमें? जी मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं इसमें अभी तक चूंकि मामला दर्ज तो नहीं हुआ है, दोनों लोगों से तहरीर पुलिस ने जरूर ले ली है और जो सीसीटीवी है उसके आधार पर पुलिस जो है वो कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बांके बिहारी जैसे मंदिर में अगर कोई आदमी पिस्टल लेकर के और घुस सकता है क्योंकि उसमें इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं और इस तरह से वो सरेआम उस पिस्टल को अगर किसी पे तान देता है तो ये सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल बनता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेश। और इसीलिए हम जानना भी चाह रहे थे कि अगर कोई मामला दर्ज हुआ है क्योंकि मंदिर परिसर में इस तरह से रिवॉल्वर लहराई गई, जूते उतारने की बात को लेकर तो बवाल इस कदर बढ़ गया लेकिन वो सिक्योरिटी कहां पर और क्या कर रही थी जब ये शख्स बंदूक लेकर पिस्टल लेकर मंदिर परिसर में दाखिल हो गया। आगे